सरप्राइज नहीं रहेगा ना? शूट स्टार्ट नहीं किया तो विल टॉक अबाउट रेनेसा नाउ. रेनेसा सेंचुरी स्प्रेड अराउंड द यूरोप. श्रीनिवासन भाई बहुत पर जो हीरोइन भाई राशि खन्ना दिन भर सोती है फिर दोपहर को मूवी दिखती है रात की फर्स्ट लिखा है वीडियो शूट का इसीलिए समझो बुढ़वा को. हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनुष्का व्लॉग्स. न्यू इंट्रो. यस न्यू इंट्रो. तो आज गाइस अभी जस्ट मैं सो कर उठी और ब्रश व्रश करके आई हूँ. अभी ब्रेकफास्ट करूंगी और 11-12 बजे तक एकदम फुल स्टडी करने वाली हूँ. टेक्स्ट पढ़ने वाली हूँ, बुक पढ़ने वाली हूँ क्योंकि कल इतना ज्यादा नोट्स लिखा है अर्णव सर ने तो उसको थोड़ा सा रिवाइज भी करना पड़ेगा और उस चीज़ को समझना भी पड़ेगा फिर से थॉरली. तो मैं कुछ कुछ वीडियो लेक्चर्स अटेंड करूँगी, यूट्यूब पर देखूंगी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, हिस्ट्री. तो यहाँ आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग आने वाला, क्योटिक भी देने वाला क्योंकि आज है नवरात्रि का शूट डे वन. हाँ जी, अब डे वन कैसे, डे थ्री हो चुका, नवरात्रि स्टार्ट हुए तो बट मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ आज से. सो डे वन तो क्या कुछ ऐसे प्लान आउट करा है. आज का दिन काफी ज्यादा हेक्टिक और फिर क्योटिक भी होने वाला है. और एक चीज मैं तुमको थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है? पहले नाश्ता वास्ते कर लेते और आज का व्लॉग शुरू कर लेते हैं. नेक्स्ट मैं ये बता रही थी गाइस कि जो मैंने एक छोटा सा बिजनेस अपना वो किया था ना मिनीस पे, स्विगी मिनीस पे, उसको थोड़ा अभी अभी के लिए, अभी के टाइमिंग के लिए अभी थोड़ा उसको कैंसिल नहीं, उसको थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि मास्टर्स भी है अभी हमारा कर रही हूँ मैं और अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम भी मैनेज करना होता है तो बिजनेस तो नहीं हो पाएगा मेरे से. पता नहीं क्या सोच के मैंने बिजनेस का बुक किया बट इसे थोड़ा टाइम देना चाहिए. बड़ी मामा ने भी बोला अभी मत कर बिजनेस, बाद में जैसे ही इसे तेरा साइड इनकम आना स्टार्ट कर जाएगा, इन्वेस्टमेंट कर अच्छा बिजनेस स्टार्टअप कर, तो अभी फिलहाल मत कर. बड़ी मामा का सजेशन ले लिया मैंने और अभी के लिए आइडिया ड्रॉप करते हैं, ठीक है? क्लोथिंग ब्रांड का भी अभी साइड अप करते हैं फिलहाल, अभी मास्टर्स और यूट्यूब पे फोकस करते हैं फुल. तो कुछ ऐसा सजेस्ट कर देते. आज मैं दिखाऊं आपको मम्मी ने आज क्या बनाया है ब्रेकफास्ट में. भिंडी और आलू का सब्जी मैं नहीं खाने वाली, मैं खाऊंगी मोस्टली और दूध, ठीक है? और साथ में ये आटा गूंथ के रख दिया है रोटी के लिए. हम ना रोटी में क्या डालेंगे पता है, ये आटा रेगुलर आटा ज्यादा चावल का आटा और प्लस ये बाजरे का और रागी का मिक्स आटा जाता है, हेल्दी होता है. तो वी विल टॉक अबाउट रेनेसा नाउ. रेनेसा पीरियड. रेनेसा टेक प्लेस बिटवीन 10th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी. आर्ट Renaissance cultural rebirth from the Middle Age to the Renaissance originally be and a very high amount of high 20s to 1520s era. This Renaissance got hype. This Renaissance period got hype and it reached at Italy. From Europe it began to reach Italy. This period is also known as high. छोटा सा बात बताओ ना ना, ये छोटा सा बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए? अभी आप बता रहे थे ना सुबह, बताओ ना. अभी नहीं, अभी पढ़ाई में फोकस करो. उसका अभी तो फिलहाल यूट्यूब भी अच्छे से चल रहा है ना, तो उसमें फोकस करते हैं. मैं भी चल रहा है चारों तरफ करना है, वही तो है. मुझे करना था गाइस, अच्छा भी बड़ी मामा का बात सुन रहे थे, उन्होंने भी तो कुछ सोच समझ से बोला होगा ना ताकि हम बाद में ना बाद में जाके ना फंस जाए, इसलिए तो बोला हुआ. तो गाइस अभी 1 बज गए और जस्ट मेरा पढ़ाई खत्म हुआ. काफी अच्छा लेक्चर सेशंस बहुत सारे अटेंड किए, अच्छे से समझा टेक्स्ट को. एंड ये देखो भाई व्यू, ये प्यारा सा व्यू. और खाना वाना खा के अराउंड 3 या 4 बजे से मैं अपना शूट करूँगी, भैया के रूम में शूट करेंगे अच्छे से और थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स में टेरेस पे भी ले लूँगी.
और अभी फिलहाल साफ सफाई चल रहा है हम लोग के घर में, ठीक है। पुराना पुराना सामान, ये मतलब बेकिंग के लिए एक बार मंगाया था बट यूज तो हुआ नहीं, और यहाँ पे साफ सफाई पूरा चल रहा है, बर्तन वगैरह धुल रहे हैं। अभी हम ये मूवी देख रहे हैं श्रीनिवासन भाई, बहुत बढ़िया मूवी दादी के साथ देख रही हूँ मैं। पहली बार इस घर में अच्छा लग रहा है ना, साउथ इंडियन मूवी बड़ा पैर धोकर आते तो। हाँ गाइस, ये दिन भर सो होती है फिर दोपहर को मूवी देखती है, रात रात में भी मूवी देखती है 10-11 बजे भी, इनका सही है यार, मस्त है रे मूवी। तुम लोग भी देखो भाई, अच्छा मूवी है। और जो हीरोइन भाई राशि खन्ना तो ऑल टाइम फेवरेट। वैसे भी 3 बजने वाले, मेरे को शूट करने का मन ही नहीं कर रहा, क्यों पता है? ये मूवी देखने भाई, ये जो मूवी है ना, मैं करीब 10-15 बार तो देख ही चुकी हूँ भाई ये मूवी, एंड मेरे को इसमें शूट करने का मन नहीं कर रहा, बट करना पड़ेगा। जैसे 3 बज जाएगा, 3 या फिर 3:05 में मैं शूट करूँगी। हाँ भाई, ये साउथ इंडियन मूवी ना देखते देखते नींद ही आ जाएगा, बट मज़ा भी आता है। मैं तो पूरा एडिक्ट हो चुका, दादी को भी एडिक्ट बना दिया है। गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ भैया के रूम पर शूट करने के लिए, फाइनली मूवी देख के आई, खत्म हो गया मूवी। भाई इतना नींद आ रहा था ना, बट मैंने सोचा कि नहीं भाई तूने बहुत इग्नोर कर लिया शूटिंग को, अब तेरे को शूट करना ही पड़ेगा। पिछली बार भी इग्नोर किया था मैंने, नहीं किया था, बट इस बार तभी मैं रेडी होने लगी हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा ये दिखाऊंगी तुम्हें, पूरा तुम्हें इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अभी मैं मॉइस्चराइज अप्लाई कर रही हूँ, लुक तो नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी। पूरा दिखा दिया था, सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा ना, इसीलिए समझो बुढ़वा को। रेडी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लुक, ठीक है, ये फर्स्ट लुक है वीडियो का, वीडियो शूट का। और ये देख ही रहे होंगे, थोड़ा सा दिखा रही, फुल नहीं दिखा रही। तो हाँ जी अभी भाई, अभी तो 4 या 5 ही बजने वाले, बट अभी तक मैंने शूट स्टार्ट नहीं किया, तो लेट्स शूट। अभी जाएंगे टेरेस पर, 6:30 हो रहे हैं, जस्ट मैं वीडियो शूट करके आई हूँ, और मैं काफी देर तक 2-3 hours का शूट किया, बट फिर भी सिर्फ लुक 1 क्रिएट किया। मैंने सोचा था कि आज पूरे दिन मतलब खाना वाना खा के आराम से शूट करेंगे, 3-4 लुक आराम से क्रिएट हो जाएगा, बट नहीं हो पाया भाई, साड़ी लगाने में आज तो 1-2 घंटा उसी में पास हो गया। तो इसलिए मैंने कल हेल्प करने के लिए मेरी बहन को बुलाया, वो भी शायद वीडियोस वगैरह बनाएगी बोल रही थी, और मैंने ऐसे episode 1 करके day 1 तो नहीं है नवरात्र का, बट मेरे से लेट हुआ वीडियो बनाने में, इसलिए मैंने मेरे लिए तो day 1 है। और दादी से अप्रूवमेंट मैंने ले लिया, कैसा है वीडियो, कैसा लगा? ये क्या है, ये सब क्या खेलते काम? अगर पैर ठीक होता ना, कब का चली जाती बाहर बगीचा में। तो गाइस घर बैठना अच्छा नहीं, घर बैठना अच्छा नहीं। तो अभी तो घर में रह रही हो ना, कौन सा बाहर? अभी तो चलो गाइस, अभी मैं थोड़ा वर्कआउट करती हूँ, सुबह भी मतलब वर्कआउट नहीं हो पाया, और कल सुबह से मैं डेली वर्कआउट जाने वाली हूँ भाई, डेली वर्कआउट नहीं सॉरी डेली मॉर्निंग वर्क जाने वाली हूँ। फटाफट से वर्कआउट करते हैं, ब्लॉग एडिट करके आप लोग को भी तो देखना है ना कि क्या हुआ दिन भर, अनुष्का का दिनचर्या कैसा गया। तो सॉरी एक चीज के लिए कि पूरा लुक मैंने नहीं दिखाया, मुझे इतना पसंद आ रहा था, और मेरी बहनों को भी बहुत अच्छा पसंद आया। अभी व्लॉग अपलोड नहीं हुआ आई नो, बट लुक ऐसा कुछ था, मैं यहाँ पे डाल दूंगी वीडियो या फोटो मिल जाए तो। फोटो मैं क्लिक करना ही भूल गई भाई साहब, वीडियो बनाने में इतना टाइम लग गया, फोटो तो भूल ही जाओ भाई। और बाकी का लुक मैं कल क्रिएट करूंगी। मेरी बहन को मैंने बोला भाई 4-5 दिन के लिए आ जा, थोड़ा सा मेरा शूट में भी हेल्प हो जाएगा। बोला है मैडम आएगी कि नहीं वो नहीं पता, शायद आएगी कल। और हाँ भाई अभी फिलहाल रील अपलोड कर दिया भाई, जाओ ठीक टाइम पे अपलोड करा है भाई, बिछा दिया है और
पीसफुल सा गाना भी लगा दिया है। अभी स्टार्ट करते हैं। Just completed my workout and it was so peaceful and so amazing. बहुत ज़्यादा बढ़िया था, पसीना भी निकला है ना। अभी मैंने पोछ लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा था। अभी मैं जाऊँगी फटाफट से शावर लेने। शावर लेने आने के बाद मेरे ना देखो स्किन का हालत एकदम बुरा हो रखा है। आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा, अब तो ढेर सारा टाइम है, छुट्टी भी है, तो अच्छे से केयर करेंगे अपने स्किन का। तो हाँ जी, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने। मैंने ब्लॉग क्यों सडनली स्टॉप कर दिया, क्योंकि शावर लेने में ना एक दो घंटा लगेगा मेरा। ठीक है, तो बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।